हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स के लिए। तो देखिए, आज की वीडियो होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर का जो असाइनमेंट, जैसे कि हमने पहले ही बता रखा था आपको, विदाउट असाइनमेंट आपका कोर्स अनकम्प्लीट माना जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर माहौल लग चुकी है। तो इसको लेकर एक नोटिस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि एक्चुअली हुआ ये है कि इस नोटिस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जानना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि मैं उस वीडियो में नहीं बता पाया था, बट मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो होने वाली है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए, क्या बीए प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर का जो असाइनमेंट है क्या वो कैंसल्ड हो गया है, क्या नहीं होगा, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे होगा नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, जब आप इस नोटिस को देखते हो, सोल की साइड पे पड़ा हुआ ले लेना, बाकी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इस लाइन का मतलब ये कि ऑल द प्रोग्राम्स, मतलब जितने भी प्रोग्राम्स है फर्स्ट ईयर के अंडर ग्रेजुएट के, ऑल प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है। बट जब ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, ये जो वर्ड है छोड़कर, यानी बीए प्रोग्राम को छोड़कर, ये इन्होंने अंडरलाइन भी कर रखा है, देख सकते हो अंडरलाइन, इन्हें थोड़ा सा इसे ब्लैक एंड में बंद भी कर रखा है इसको। बीए प्रोग्राम को छोड़कर सबके इंटरनल असाइनमेंट एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस कराए जाएंगे। डेट जो रहेगी वो 20 फरवरी रहेगी, जिसके लिए डिटेल शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये नोटिस में बता दिया, यानी बिग अपडेट ये है। बट क्या बीए प्रोग्राम के असाइनमेंट कैंसिल हो गए हैं? मैं ये कहूँगा कैंसिल नहीं हुए, अगर कैंसिल होते तो यहाँ बता रहे थे कि कैंसल्ड कर दिए, मतलब कि छोड़कर इसीलिए बोला गया क्योंकि बीए प्रोग्राम को ना तो अभी तक स्टडी मटेरियल मिला है, पहली चीज़। दूसरा, उनके सब्जेक्ट चेंज प्रोसीजर चल रहा है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सब्जेक्ट ही नहीं पता उनके। तीसरी चीज़, बीए प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो इन रीज़न की वजह से अभी बीए प्रोग्राम को फ़िलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके नहीं होगा, होगा, क्योंकि ऑल प्रोग्राम्स का मतलब, देखिए ऑल का मतलब ये होता है, अगर आप इंग्लिश सेंटेंस में देखोगे तो उन्होंने सबको अंडर ग्रेजुएट को ले लिया, बट जब ये शब्द इन्होंने यूज कर दिया, इसका मतलब है फिलहाल के लिए छोड़कर, इनको अभी फिलहाल छोड़ देंगे, यानी 20 तारीख से जो भी डिटेल शेड्यूल आएगा वो बीए प्रोग्राम के को छोड़कर जितने भी कोर्सेज है, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम इकोनॉमिक्स, जितने भी है उन सभी के असाइनमेंट कंडक्ट होंगे ऑनलाइन एमसीक्यू वेज होंगे, ठीक है। बट क्या बीए प्रोग्राम के नहीं होंगे? होंगे तो जरूर। देखिए, बिना असाइनमेंट के आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला था, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो हो सकता है इनके लिए बाद में नोटिस निकाला जाए, स्पेशल कैटेगरी में इनको डाला जाए। फिलहाल 20 तारीख से बीए प्रोग्राम को छोड़कर सबके असाइनमेंट होंगे, इस चीज़ को आप देख लेना। एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में इतनी लाइन पढ़ी थी, मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने कहा था सबके, क्योंकि इन्होंने लिखा ही ऐसा है सेंटेंस, ऑल द प्रोग्राम्स, मतलब इन्होंने यह बता दिया ऑल, इन्होंने इंक्लूड तो करे बट फिलहाल के लिए बीए प्रोग्राम को इन्होंने हटा दिया। तो अब तैयार हो जाइए, फिलहाल बीए प्रोग्राम वाले भी तैयार होंगे, बट बाद में फिलहाल बीए प्रोग्राम को छोड़कर जितने भी स्टूडेंट हैं वह सारे तैयार हो जाइए, आप सभी के असाइनमेंट होने वाले हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। बाकी ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच, और कोई अपडेट होगी जरूर बताऊँ।